नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में ऑडिटिंग के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या है? एक ऑडिटिंग का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। एक ऑडिटर के लिए अंकेक्षण के उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये उसके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। अतः ऑडिटर को नियोक्ता से इन उद्देश्यों को लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में ऑडिटर के दायित्व के संबंध में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न न हो। अगर ऑडिटर के दायित्व से संबंधित कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसमें हमारे पास दो महत्वपूर्ण केसेस हैं, AFL वर्सेस आनंद डक्सर एंड कंपनी, नंबर 2 लीच वर्सेस स्टॉक्स। ये दो महत्वपूर्ण केस हैं। इन दोनों केसों में ऑडिटर के दायित्व व उद्देश्य से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था। हम ऑडिटर के उद्देश्य के बारे में निम्न बिंदुओं के बारे में बताएंगे। नंबर 1, अंतिम खातों की सच्चाई व शुद्धता की जांच करना। ऑडिटर का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह अंतिम खातों की सच्चाई व शुद्धता की जांच करे। कंपनी अपनी वार्षिक स्थिति के आधार पर अंतिम खाते तैयार करती है, और उन अंतिम खातों में किसी प्रकार की गलतियों की संभावना है तो ऑडिटर का कर्तव्य है या ऑडिटर का दायित्व है कि उनकी सच्चाइयाँ व शुद्धतों की जाँच करे। नंबर 2, अशुद्धियों का पता लगाना। ऑडिटिंग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अशुद्धियों का पता लगाया जाना चाहिए। ऑडिटिंग का ये उद्देश्य, ऑडिटिंग के कार्य करते समय उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होने की संभावना रहती है, अर्थात ऑडिटर इन अशुद्धियों का पता लगाना उसका महत्वपूर्ण कार्य है। कपट का पता लगाना। अगर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन किया है तो उसका पता लगाना भी ऑडिटर का महत्वपूर्ण कार्य है। कपट व अशुद्धियों को रोकना। ऑडिटर को कपट व अशुद्धियों का पता लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उनका रोकना भी महत्वपूर्ण है, अर्थात ऑडिटर कपट व अशुद्धियों का पता लगाकर उनको रोकने का कार्य करता है। प्रबंधकों को सही सलाह देना। ऑडिटर प्रबंधकों को उस कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में प्रबंधकों को सलाह देता है, परंतु प्रबंधक ऑडिटर की सलाह माने या नहीं माने इसके लिए वह उनको बाध्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाना। ऑडिटर कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का भी पता लगाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व आश्वासन मानक मंडल द्वारा निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति करना। ऑडिटर इन कार्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण या आश्वासन मानक मंडल द्वारा ऑडिटिंग के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करना भी ऑडिटर का महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट, अशुद्धियाँ एवं गबन को ढूंढ निकालने के संबंध में अंकेक्षण की स्थिति, यानी ऑडिटर की क्या स्थिति होती है। प्रत्येक अंकेक्षण का उद्देश्य होता है उसके द्वारा किया गया किसी प्रकार का कार्य या उसके द्वारा किया गया कार्य से अशुद्धियों व कपट का पता लगाया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऑडिटर इस कार्य में असफल रहता है तो क्या उस पर वह लापरवाही या कर्तव्य भंग का दोषी है। इस संबंध में हम निम्न टिप्पणी देंगे। यदि ऑडिटर अपने कार्य विशेष को सावधानी से या पग पग पर संदेहशील एवं चौकन्ना होकर कार्य करता है और उसकी सावधानी से अशुद्धियां व गबन से अधिकतम मामले पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन कोई बहुत ही सावधानी या सुनियोजित ढंग से कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया गबन ऑडिटर ढूंढ निकालने में असमर्थ रहता है, तो इसके लिए वह दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
अर्थात इसके लिए ऑडिटर को कर्तव्य भंग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऑडिटर अपने कार्य हाथ में लेने से तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि ऑडिटर ने अशुद्धियों व गबन के संबंध में संस्था का बीमा कर लिया है, ना ही वह इस बात की गारंटी देता है कि अशुद्धि व गबन को ढूंढ निकालेगा। ऐसी परिस्थिति में हम केवल इतनी ही उपेक्षा कर सकते हैं कि वह अपना कार्य उतनी सावधानी चतुराई से करेगा जितनी सावधानी से उसी पेशे का कोई औसत व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि ऑडिटर के द्वारा उचित सावधानी चतुराई या सुनियोजित ढंग कौन पर किस प्रकार का होगा। इस संबंध में किंगस्टन कॉटन्स मिल्स का केस महत्वपूर्ण है जो इन सभी पॉइंटों पर लागू होता है। नंबर एक, उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग करना। ऑडिटर अपने कार्य को उचित सावधानी से चतुराई पूर्वक अगर कार्य करता है और फिर भी अगर कोई अशुद्धि रह जाती है तो उस अशुद्धि के लिए ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। इसमें किंगस्टन कॉटन्स मिल्स का केस लागू होता है। नेक्स्ट, ऑडिटर की को ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। प्रत्येक ऑडिटर अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करता है। ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए भी अगर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि या गबन रह जाता है तो उस अशुद्धि और गबन के लिए ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। ऑडिटर का कर्तव्य संदेहशील होकर कार्य करना नहीं है। ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह कोई भी कार्य, ऑडिटिंग का कोई भी कार्य संदेहशील होकर नहीं करना चाहिए। अंकेशन एक जासूस नहीं है जो संदेहशील होकर कार्य करे या इस पूर्व धारणा के साथ कार्य करे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इस पूर्व धारणा के साथ भी ऑडिटर कार्य नहीं कर सकता। उसकी स्थिति एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होती है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। अर्थात रखवाली करने वाला कुत्ता केवल रखवाली करता है, जिन पर डाउट होता है उन्हीं को काटने की तरफ दौड़ता है, और जो शिकारी कुत्ता है वो हर वक्त को अपने शिकार के नज़रिए से देखता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑडिटर को अपना कार्य करना चाहिए। ये किंगस्टन कॉटन्स मिल्स में दिया गया एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी है। बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए कपटों के लिए उत्तरदायी नहीं। बड़े अधिकारी कोई सावधानी पूर्वक कोई कपट करते हैं तो उसके लिए ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। सत्यता की गारंटी देना ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है। ऑडिटर 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। अर्थात ऑडिटर एक बीमक नहीं है, अर्थात वह एक सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता। हम ये मान के चलते हैं कि ऑडिटर ने जो कार्य किया है वो शुद्ध है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलतियां रह जाती हैं तो उन गलतियों के लिए ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। थैंक यू। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं डॉक्टर सुरेश, थैंक यू।